Good morning, students. Welcome to our class. We are discussing about prepositions. Prepositions के बारे में अपनी चर्चा चल रही है. अब से पहले जो है अपन ने preposition at, in दोनों को पढ़ लिया है. आज अपन preposition तीसरा जो है into. Into का प्रयोग कहाँ होगा, किस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे. तो पहला देखो, गति के साथ अंदर आना. कोई भी चीज मौसम के साथ अंदर आ रही है, बाहर से अंदर आने की स्थिति में उसमें मौसम होना चाहिए, गति होनी चाहिए, तो उसमें अपन इंटू का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जांपल देखो, ही जंप्ड इंटू द रिवर, उसने नदी के अंदर जंप लगाया, यानी बाहर से अंदर गया. द टीचर केम इंटू द क्लास, टीचर कक्षा के अंदर आया, मीन्स बाहर से अंदर आया. इसी प्रकार से देखो, दूसरा तरीका क्या है, एक माध्यम से दूसरा माध्यम में बदलना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में उसके स्वरूप को बदलने के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे, अपन इंटू का प्रयोग करेंगे. फॉर एग्जांपल देखो, ट्रांसलेट इंटू इंग्लिश, यानी इंग्लिश में अनुवाद करो, बदलो, तो उसका स्वरूप बदल रहा है. मिल्क टर्न्स इंटू कर्ड, दूध जो है वो बदल कर क्या बन रहा है, दही बन रहा है. आइस टर्न्स इंटू वाटर, बर्फ जो है बदल कर क्या बन रहा है, पानी बन रहा है. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंटू इनडायरेक्ट या पैसिव वॉइस, तो इन सेंटेंस को आप क्या करो, या तो इनडायरेक्ट में बदलो या पैसिव वॉइस में बदलो, यानी कि उनके स्वरूप में, उनके मीडियम में, उनके जो स्वरूप है, रूप जो, उसमें बदलाव हो रहा है. तो ये जो है इनटू का प्रयोग है. अब अपन देखते हैं ऑन. ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा, ऑन का मतलब क्या है पर. अब देखो, सबसे पहले ऊपर की स्थिति में, ऊपर का सतह स्पर्श करती हो कोई भी चीज किसी सरफेस को, ये जैसे मान लो ये मेरे पाम है, ये जो है कैप है, तो इस कैप की पाम की जो है स्पर्श कर रही है सतह, तो ऐसी चीजें जो कि स्पर्श करती हो. फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तो बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है, तो टेबल का जो सरफेस है वो स्पर्श कर रही है. उसी प्रकार से देखो, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स स्टैंड ऑन द बेंचेस, यानी टीचर ने स्टूडेंट्स को बेंच के ऊपर खड़ा किया, तो बेंच और स्टूडेंट्स जो है दोनों को जो है टच हो रही है सरफेस, तो जहां सरफेस टच हो उसके लिए अपन प्रयोग करेंगे ऑन का. दूसरा प्रयोग कहाँ होगा, डे और डेट के लिए, कोई भी ओकेजन है, कोई भी डे है या डेट है, उसके लिए अपन यूज करते हैं ऑन का. फॉर एग्जाम्पल, ऑन मंडे, ऑन 1st जुलाई, ऑन 1st जनवरी, कोई भी डेट आ गई, कैलेंडर टाइम आ गया, यानी डे और डेट आ गई, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का. अब देखो, कल अगर क्लॉक टाइम है तो किसका प्रयोग करते हैं, भाई घड़ी के हिसाब से टाइम दिया है तो किसका प्रयोग करेंगे, एट का. ठीक है, क्लॉक टाइम, कैलेंडर टाइम में ऑन आ गया. और अगर अपन ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन की टाइम किसका यूज किया था अपन ने, इन का. तो इन, एट, ऑन तीनों जो है टाइम के लिए भी यूज होंगे और स्थान के लिए भी यूज होंगे. ठीक है, इसी प्रकार से देखो, कुछ फिक्स यूजेज है, ऑन फुट यानी पैदल चलना, तो यहाँ ऑन फुट ही आएगा. ऑन बाइक, बाइक के भी ऊपर बैठ के सवारी करते हैं. स्कूटर, ऑन स्कूटर के ऊपर. ऑन हॉर्स बैक, घोड़े के ऊपर बैठ के सवारी की जाती है. उसी प्रकार से ऊंट के ऊपर बैठ के सवारी की जा रही, तो ऑन द कैमल्स बैक भी हो जाएगा. इसके अलावा देखो, ऑन टेलीविजन, टीवी पर. ऑन डाइट, कोई डाइटिंग पे है तो. ऑन डिमांड, वर्ड सुना होगा आपने, ऑन डिमांड, किसी चीज की मांग होना. ऑन ड्यूटी, ऑन लीव, ऑन हॉलीडे, ऑन ए टूर, इसी प्रकार ऑन रेडियो, ऑन लॉन, ऑन स्ट्राइक. स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, हड़ताल. ऑन स्ट्राइक यानी हड़ताल पे होना. ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर. ऑन फायर, ऑन फायर का मतलब जल रहा हो, जैसे अपन कहते हैं हाउस ऑन फायर, यानी जलता हुआ घर. तो इनके साथ जो है ये फिक्स यूजेज है, तो इनको भी आपको याद करना है. ठीक है, तो इस प्रकार से जो है प्रपोजिशन का जो टॉपिक है, इसमें अपन ने चार तरह के प्रपोजिशंस के बारे में डिस्कस कर लिया है. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा. मिलते हैं कल किसी अन्य प्रपोजिशंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.